बॉक्स खबरों की नई पहचान। आठ सूत्री मांगों को लेकर झारखंड उत्थान मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष रिंकू शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने देव प्रभा आउटसोर्सिंग प्रबंधन और बस्ता कोला प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्र अध्यक्ष रिंकू शर्मा ने बस्ता कोला प्रबंधन एके शर्मा से वार्ता की, जिसमें स्थान को रोजगार रायतों और मुआवजा और कोल डंप में बेरोजगारों को रोजगार आदि मांगों पर चर्चा हुई, जिस पर प्रबंधन एके शर्मा ने जल्द से जल्द पहल करने की बात कही। केंद्र अध्यक्ष रिंकू शर्मा ने कहा कि जब से देव प्रभा आउटसोर्सिंग शुरू हुआ है, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आउटसोर्सिंग से उड़ते धूल कण से लोग बीमार पड़ रहे हैं, फिर भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। अगर आउटसोर्सिंग प्रबंधन और बीसीसीएल प्रबंधन जल्द ही इन मांगों पर पहल नहीं किया तो उत्पादन और डिस्पैच ठप कर देंगे। झारखंड फान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रिंकू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रिंकू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पे जो देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है, उसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, बाहर के लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे परियोजना से सटे हुए बहुत सारे मजदूर की बस्ती है, तो जो यहाँ पे लोडिंग का काम चालू होगा उसमें भी इन लोगों को कोई बात नहीं हो रहा कि बस्ता कोला 7 नंबर 10 नंबर के लोगों को भी लोडिंग के काम में लगाया जाए। और हेवी ब्लास्टिंग और प्रदूषण को लेकर के भी बहुत लोगों ने शिकायत की थी, उसको लेकर के भी हमने अभी एजेंट साहब के सामने बात रखा है। और यहाँ पर जो रैयत है उन लोगों के भी भुगतान में क्यों देरी हो रही, इस संबंध में भी जो है इनसे हम लोगों ने अभी बात की है और इन सब बातों पर एजेंट साहब से सकारात्मक बात हुई है। और 10 तारीख का हम लोगों ने समय दिया है कि अगर 10 तारीख तक अगर यहाँ के स्थानीय युवाओं को परियोजना में रोजगार नहीं दिया गया और जो भी बस्ता कोला 7 नंबर 10 नंबर जो है यहाँ के अगर मजदूरों को यहाँ पर जो लोडिंग का कार्य चालू होने वाला है, अगर लोडिंग का कार्य में अगर इन मजदूरों को काम नहीं मिलेगा तो 10 तारीख के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन देव प्रभा जो आउटसोर्सिंग कंपनी है इसका चक्का हम लोग जाम कर देंगे।